हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने फ़ोन में फेसबुक लाइट को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है। यहाँ पे बार बार लोडिंग का प्रॉब्लम आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही गाइस मैं यहाँ पे फेसबुक लाइट का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे बार बार ये लोडिंग का प्रॉब्लम आता है, या तो फिर कभी कभी जो है नेटवर्क एरर आ जाता है, नेटवर्क कनेक्शन का एरर आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको अपने फ़ोन में देखने को मिलती होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे गाइस आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले तो आपको ये जो एप्लीकेशन है उसको आपको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने अपडेट नहीं किया रहता है बहुत दिनों से तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो आप सिंपली से इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपने फ़ोन में सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। तो सेटिंग को ओपन कर लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन में क्लिक करना है, और उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है फेसबुक लाइट। तो इस तरीके से आप जो है फेसबुक लाइट लिखेंगे तो आपके फ़ोन में ये जो लाइट का एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लाइट लिखना है गाइज, तभी आता है। तो ओके, तो आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज में जाना है और यहाँ पे आपको इसको क्लियर डेटा कर देना है। ओके, तो आपके फ़ोन में क्लियर डेटा का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैनेज स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसमें अकाउंट नहीं बनाया, मैंने पहले ही इसको क्लियर डेटा करके रखा हुआ है। ओके, तो आप क्लियर डेटा कर लीजिएगा और अपडेट ज़रूर कीजिएगा गाइज, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।